वेलकम टू माय किचन। हमारी आज की रेसिपी है एग फ्राइड राइस। तो आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 1 किलो चावल, अंडे 2 अदद, 3-4 गाजरें लेकर इनको बारीक कश कर लें, मटर 1/2 प्याली, टमाटर 3-4 अदद, प्याज 2 अदद दरमियाने साइज के, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, चाइना साल्ट 1/2 चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, नमक, मसाला इसमें तेजपात, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची और जीरा शामिल है, सोया सॉस 1 चम्मच। चिल्ली में थोड़ा ऑयल गरम करें और इसमें प्याज डालें। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है। इसमें टमाटर डाल दें और साथ ही मटर और गाजर भी शामिल कर दें। मटर और गाजर शामिल करने के बाद सारी सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई करें। सब्जियों को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। सब सब्जियों को अच्छी तरह से भूनें और फिर इसमें साबुत गरम मसाला शामिल कर दें, नमक और चाइना साल्ट भी इसमें शामिल कर दें। अब मैं इसमें सफेद मिर्च पाउडर भी शामिल कर दूँगी। जब सारी सब्जियां अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो सबसे आखिर में मैं इसमें अंडे फेंट कर डाल दूंगी। अंडे शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला लें ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए अच्छी तरह। सबसे आखिर में इसमें सोया सॉस शामिल करके, सोया सॉस शामिल करने के बाद इसको ढककर तकरीबन 2 मिनट के लिए खुले मुंह के बर्तन में पानी डालकर नमक डालें उसमें, चावलों को उबाल लें। चावल एक कहीं रखकर उबाल लें। मसाला तैयार हो चुका है, इसमें से हम 1/2 निकाल लेंगे। अब एक तरह मसाले की बिछा दें, इसके ऊपर चावल फैला दें। चावलों की तरह डालने के बाद ये जो हमने सब्जियां निकाली थी मसाला, अभी इसके ऊपर डाल दें। अब इसके ऊपर फिर से चावल डाल दें। इस तरह से तेल लगाकर इसको ढककर हल्की आंच पर तकरीबन 5 मिनट के लिए दम दे दें। दम से खोलकर चावलों को अच्छी तरह से हिला लें और इन्हें सर्व करने के लिए निकाल लें। मज़ेदार एग फ्राइड राइस तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।